नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं अक्सर करता हूं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि मुझे खुशी देती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो न्यूज़ चैनल्स में या अखबारों में या फिर सोशल साइट्स में ऐसी खबरें नहीं आती जो थोड़ा सा मन को विचलित कर देती हैं, वो मुझे भी करती हैं। मैं भी कई बार तैश में आ जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि माहौल कैसा है। लेकिन जब मैं गहराई में सोचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि हर एक कोई अपना अपना काम कर रहा है। जैसे नेताओं का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है, पावर में आना, इलेक्शन जीतना। तो वो अपनी तिकड़म में करेंगे, आपके ऊपर है आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, कैसे समझ पाते हो। नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी अच्छी बातें बताने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं करूँगा, बताऊँगा, जो कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं करता रहता हूँ समय समय पर। उनमें से आज का दिन भी एक है जिसे महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 8 मार्च हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पर मनाया जाता है। तो कुछ वर्षों से मैं भी इसमें अपना को कुछ ना कुछ योगदान देने की कोशिश करता हूँ। एक साल मैंने छोड़ भी दिया था, उसकी वजह ये थी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि पता नहीं इन सब एक्टिविटीज़ से कुछ होता भी होगा कि नहीं। खैर, लेकिन उसकी भरपाई मैंने कर दी थी थोड़े दिनों बाद ही। तब मुझे ये लग रहा था ज़रूरी नहीं है कि महिला दिवस पर ही कुछ महिलाओं के लिए किया जाए, उसके अलावा भी आपको जब लगे आप कर सकते हो कुछ भी अच्छा जो आपको लगता है कि करना चाहिए। वैसी एक मेरी मुहिम चल रही थी पिछले कई सालों से, जो 2014 में एक तरह से संपन्न हुई, वो थी दिल्ली की महिलाओं को हेलमेट पहनाना। उसके लिए मैंने काफ़ी कोशिशें की, अंत में मैंने पहनवा दिया था हेलमेट। बहुतों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ये बात मैं बता देता हूँ। तो वैसे ही उसके बाद से 8 मार्च को मैं जंतर मंतर पे या तो महिलाओं को हेलमेट बांट रहा होता मुफ्त में, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, जंतर मंतर पे या कहीं पे भी मुझे मिल जाए जहाँ पे 10-12 के आसपास, तो मैं उनको अपनी तरफ से अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दे के आता हूँ, जो कि आज भी मैंने किया है ऐसा। और फिर उनमें से जो भी सीनियर होता है या जो कैमरे के सामने आके कोई बात रख पाता है, उनको मैं एज अ गिफ्ट एक हेलमेट दे देता हूँ। बड़ा प्यारा सा हेलमेट था इस बार जो दिया है गिफ्ट में। हेलो एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे। मेरी तरफ से एक संदेश है सभी महिलाओं को कि जब भी वो व्हीकल चलाएं, मतलब टू व्हीकल चलाएं, तो एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट यूज़ करें, और क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।